Okay, students, let us continue. We will continue with the subtraction of rational numbers. Okay, subtraction of rational numbers. Subtraction, like I have told you earlier, कि subtraction दो नंबरों में कब होता है, जब उनका sign different हो, तो subtraction होता है, जब sign same हो, तो addition होता है. Now, on the basis of subtraction, हमारे पास दो question है, question number 8 and question number 9. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में चार पार्ट्स हैं, दो मैं करके बता रहा हूँ, दो आपको खुद से कर. क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट ऑफ ऑल बी पार्ट, यू हैव टू सबट्रैक्ट 3/7 फ्रॉम -4/9. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/7 -4/9 में से सब्ट्रैक्ट करो. तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, अपन सही से लिखते हैं. सही से लिखने का क्या मतलब है, सबसे पहले तो -4/9 को लिखेंगे, उसके बाद फ्रॉम के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर ये वाला नंबर 3/7. हर बार ऐसे ही फ्रॉम से राइट हैंड साइड वाला नंबर पहले लिखा जाता है, फ्रॉम से लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर बाद में लिखा जाता है, और बीच में माइनस का साइन. मतलब कि -4/9 में से 3/7 हम घटाने वाले, सबट्रैक्ट करने वाले. काम वही करना है जो पिछली बार किया था, हमको एलसीएम निकालना है. तो इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे, थोड़ी सी मेहनत आप भी करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास आएगा 63. ओके, तो एलसीएम क्योंकि 63 है, तो उस हिसाब से डिनोमिनेटर 63 बनाना होगा. तो पहले वाले में तो ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर 63 बन जाए, दूसरे वाले में ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर 63 बन जाए. इतना सब करने के बाद यू विल गेट -27 upon 63. कॉमन डिनोमिनेटर 63 है, ऊपर आएगा -28 -27. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 55, वो भी माइनस का अपॉन 63. ओके, अब ये मत कहना सर आपने एडिशन क्यों कर दिया, वो तो सबट्रैक्शन की कह रहा था. बेटा सबट्रैक्शन केवल ये माइनस का साइन जोड़ने के लिए ही इतना ही काम में आया क्वेश्चन, ठीक है. उसके अलावा जिस हिसाब से ऑपरेशन होता है, जिस हिसाब से ऑपरेटर लगे होते हैं, उस हिसाब से हम ऑपरेट करते रहते हैं. ओके, अब इसका सी पार्ट देखते हैं. सी पार्ट में बेटा एक छोटा सा मिसप्रिंट है, वो आप करेक्ट कर लेना. सी पार्ट में फ्रॉम नहीं लगाया, तो सी पार्ट इज 5/9 फ्रॉम -2/1/12. ओके, मेरे ख्याल से यही मिसप्रिंट है. ओके, अगर हमारा आंसर सही हो जाता तो ठीक मिसप्रिंट है, वरना हम उसी को आंसर मान लेंगे उस हिसाब से. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सही करेंगे. 12 × 24, 24 + 1 = 25. इसमें से माइनस करना है कौन सा, ये वाला नंबर 9 × 4 = 36, 36 + 5 = 41. ओके, तो वापस से हमको क्या करना है, 12 और 9 का एलसीएम निकालना है रफ में. 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 4 × 1 = 3, 3 × 1 = 1. तो 9 × 4 = 36, आपके पास एलसीएम इसका निकलेगा 36. वंस अगेन, अब मैं एलसीएम निकालना नहीं बताया रहा, क्योंकि एडिशन में बहुत सारी बार निकाल लें, तो एलसीएम अब तक आ गया होगा निकालना. नहीं आया तो वापस से एडिशन वाले वीडियोस चेकआउट कर लीजिए. 12 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 36 आ जाए, 12 × 3 = होता है 36. और इसी तरह से -41/9, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए ऊपर नीचे 4 से. सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज, नीचे तो 36 ही आएगा, ऊपर 25 × 3 = 75 माइनस
नीचे तो 36 ही आएगा, ऊपर 41 फोर जा 164। और सॉल्व करो, कॉमन डिनोमिनेटर इज 36, ऊपर आएगा माइनस का 75 माइनस का 164। सॉल्व करेंगे तो नीचे 36 ऊपर 9, 6 और 7 13 1 239, ओके वो भी नेगेटिव। आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर निकाल सकते हैं, बट लीविंग द आंसर टिल नाउ इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ। यहां तक आंसर करेक्ट है, ओके। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का एक पार्ट मैं करके बता रहा हूं, एक पार्ट आपको खुद से करना है, बी पार्ट बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट इज सबट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस 3/4 एंड 1/3 from the sum of 2/3 and minus 1/2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले दो नंबर को ऐड करो, जो आंसर आया है उसमें से, सॉरी उसको माइनस करो किस में से, बाकी के दो नंबर के एडिशन में से, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके काम करते हैं, पहले दो नंबर ऐड करते हैं देखते हैं क्या आता है, फिर बाद के दो नंबर ऐड करते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले दो नंबर ऐड करेंगे, माइनस 3/4 प्लस 1/3, एडिशन मतलब दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दें, ओके। जो ऑलरेडी साइन है वो तो वैसे ही रहेंगे, बाकी बीच में प्लस का साइन लग जाएगा। इसका ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा एलसीएम 12 माइनस 3 × 3 प्लस 1 × 4। अगर ये समझ में नहीं आया कैसे हो, तो जैसे आपको पहले करा रखा है वैसे ट्राई करके देखिए, योर आंसर विल बी सेम। सो दिस इज माइनस 9 प्लस 4 अपॉन 12 और सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 अपॉन 4। तो पहले दो नंबर का एडिशन आया माइनस 5 अपॉन 12। दूसरे दो नंबर के एडिशन के बारे में बात करते हैं, फॉर 2/3 प्लस माइनस का 1/2, ओके। इनके लिए एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 6 और न्यूमरेटर में माइनस का 1 × 3 इस तरह से। सो दिस विल बी 6 इन द डिनोमिनेटर और ऊपर 4 − 3 और आंसर आएगा 1/6। ये आंसर पॉजिटिव आया है, ये आंसर नेगेटिव आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सबट्रैक्ट माइनस 5/12 फ्रॉम 1/6। माइनस 5/12 को 1/6 में से सबट्रैक्ट करो। अब ये क्वेश्चन तो हम पहले भी करके आ चुके हैं, आराम से कर सकते हैं, आप भी ट्राई करके देख लीजिए। पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1/6, फिर बीच में माइनस का साइन और फिर दूसरा नंबर, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 और 12 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 12 ही आएगा। तो इसको 1/6 को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 2 से, और 12 को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए डिनोमिनेटर में, 12 ही रहने दो, किसी से मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं। सो दिस विल बी 2/12 प्लस 5/12, कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे आप 12, 2 प्लस 5, सो फाइनल आंसर इज 7/2, ओके। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट कीजिए और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 आप बुक में ही मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
बाकी क्वेश्चन नंबर 6 के रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के रिमेनिंग पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 9 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क है। अच्छा जी, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक जो क्वेश्चन है वो काट दीजिएगा, हम लोग अभी नहीं करेंगे। अगर हमारे पास आगे टाइम बचा तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और बेटा ये मत पूछना कि नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली जो नहीं कराया जा रहा है, जो कट दिया जा रहा है, वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे। आज के लिए बस इतना ही।